आज हम BSc पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट जो कि रियल सीक्वेंस की है वो उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इसी पेपर का कंटिन्यूटी तथा डिफ्रेंशिएबिलिटी के बारे में बता रखा है। अब हम अनुक्रम रियल सीक्वेंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अनुक्रम क्या होती है, हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कोई फलन जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो और कोडोमेन कोई भी सबसेट हो तो उन फलन को हम अनुक्रम कहते हैं। जैसे एक बताऊं मैं आपको, जैसे ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर n और ये कोई सेट है, कोई भी सेट है x, इनके बीच में जो फलन है f कह लें या अब अपन उसको डिनोट करेंगे स्मॉल x या y से। n में कितने एलिमेंट होते हैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, अनंत एलिमेंट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इनकी इमेजेज जैसे x1, उसको मैं डिनोट करूंगा x1 से, x2 इसको लिख देंगे x2, ऐसे ही आगे के। तो ऐसा फलन जिसका प्रांत सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो और सहप्रांत कोई भी समुच्चय हो तो उस फलन को हम अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम को डिनोट हम इससे करते हैं x, n। एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें, x, n। अब n को चेंज करते जाओ कैसे, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। कितने एलिमेंट होंगे, जितने n में एलिमेंट है, n में कितने एलिमेंट है, अनंत। तो इनकी इमेजेज भी, फलन की ये परिभाषा है कि यहाँ के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इधर हो। तो एक चीज स्पष्ट हो गई कि अनुक्रम में कितने एलिमेंट होंगे, अनंत एलिमेंट होंगे, क्योंकि यदि यहाँ का कोई एलिमेंट छूट जाएगा तो वो फलन ही नहीं होगा। इसका मतलब अनुक्रम में कितने एलिमेंट होंगे, अनंत एलिमेंट। एन में प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एलिमेंट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इधर इसकी इमेजेज एक्स फलन माना है तो x1 जिसको अपन डिनोट करते हैं x1 से, x2 उसको डिनोट किया है x2 से, ऐसे। तो परिभाषा क्या बनी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से किसी अरिक्त समुच्चय x में परिभाषित प्रत्येक फलन एक अनुक्रम कहलाता है। अर्थात फलन s लिखो चाहे x लिखो या f लिखो, n2x, x में परिभाषित अनुक्रम है। अब अपन आते हैं वास्तविक अनुक्रम जो अपने सिलेबस का पार्ट है, रियल सीक्वेंस। यदि ये जो x है ना, यहाँ सबसेट ऑफ r हो जाए, यहाँ x की जगह कोई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाए तो फिर इस फलन को हम वास्तविक अनुक्रम कहेंगे। अनुक्रम की बजाय क्या कहेंगे, वास्तविक अनुक्रम कहेंगे, रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम। जैसे ये एक्स क्या हो गया, सबसेट ऑफ आर, वही 1, 2, 3 अप टू n, इनके बीच में मैपिंग है, एफ कह लो या एक्स कह लो या एक्स। यहाँ वन का इमेज x1, ये इसका x2, xn एंड सो ऑन। जितने एलिमेंट यहाँ है उतने एलिमेंट इधर आने वाले हैं, तो इसको क्या कहेंगे, वास्तविक अनुक्रम कहेंगे। संकेत रूप में ऐसे लिखते हैं, फिर बता देता हूँ, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r के उप समुच्चय x में परिभाषित प्रत्येक फलन एक वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। संकेत रूप में फलन x फ्रॉम n टू r वास्तविक अनुक्रम कहलाता है।
आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस अनुक्रम का निरूपण कैसे करेंगे, यदि x n से r अनुक्रम है तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N के प्रतिबंध को जब मैंने फिगर बनाया था एक्स एन को क्या लिखा, एक्स एन किसका एलिमेंट आएगा कोडोमेन में यानी बिलोंग्स टू R से प्रकट करते हैं जो अनुक्रम का एन वा पद कहलाता है। इस प्रकार अनुक्रम x1, x2, x3 या ऐसे भी लिख देते हैं ब्रैकेट x1, x2, x3, xn को संक्षेप रूप में ब्रैकेट xn या xn मंजिला ब्रैकेट में n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी से व्यक्त करते हैं। अपन ये वाला सिंबल नहीं काम लेके, अपन तो ये वाला सिंबल काम में लेंगे। यहाँ आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि n 1 से इन्फिनिटी है, इससे अंडरस्टूड है। अब देखिए अनुक्रम में तो अनंत पद होंगे लेकिन अनुक्रम का परास सीमित भी हो सकता है। अनुक्रम अब इसको डिफाइन करते हैं, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस अनुक्रम के विभिन्न भिन्न भिन्न पदों का समुच्चय अनुक्रम का परास कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लें, ये वाला एग्जांपल अपन लेते हैं माइनस वन की घात एन एक्स एन इक्वल टू एक्स एन क्या डिफाइन किया, ये लिया। अब एन के मान रखते जाओ ना, माइनस वन की घात वन माइनस वन, टू रखा तो वन माइनस वन वन माइनस वन वन ऐसे आगे के पद। देखिए आपने क्या किया, एन की जगह एक लिखा एक्स वन, यहाँ एन की जगह एक लिखा एक्स वन माइनस वन, एन की जगह दो लिखा एक्स टू वन हो गया, एक्स की जगह तीन लिखा एक्स थ्री माइनस वन हो गया, एन की जगह चार लिखा माइनस वन की घात चार वन, एक्स वन एक्स थ्री एक्स फाइव माइनस वन है जबकि एक्स टू एक्स फोर एक्स सिक्स। अनुक्रम में तो अनंत पद है लेकिन जब इसके परास की बात करेंगे तो इस अनुक्रम के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय, तो परास में कितने एलिमेंट हुए, केवल दो एलिमेंट हुए, कौन कौन से, माइनस वन और, समझ गए ना ये। तो अनुक्रम में तो एलिमेंट अनंत होंगे लेकिन उसके परास में अवयव सीमित भी हो सकते हैं। जैसे अपन अनुक्रम ये लें एक्स एन इक्वल टू एन लें, अब आप देखो एन के मान देते जाओ वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, जब इसका परास अपन निकालें तो परास क्या आएगा, ये सब अलग अलग एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, कितने एलिमेंट अनंत। ऐसे ही अपन अनुक्रम डिफाइन करें एक्स एन इक्वल टू लें एन स्क्वायर, तो कैसे एलिमेंट आएंगे, एक चार नौ सोलह पच्चीस छत्तीस एंड सोन, परास में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यानी परास क्या बताया, अनुक्रम के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय। तो ये अनुक्रम का परास सीमित भी हो सकता है, समझ गए ना ये। अचर अनुक्रम ले एक्शन इक्वल टू सी ले तो उसमें एक ही एलिमेंट होगा सी। तो ये कुछ उदाहरण है जो आप एग्जाम में घर जाके देख लेना। अब अपन बात करते हैं अचर अनुक्रम, यदि अनुक्रम का एनवा पद एक्शन इक्वल टू सी अचर, सी क्या है अचर, फॉर ऑल बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब एक्स वन ले सी, x2 c, x3 c, x4 c, यानी अनुक्रम क्या ही c c c c, तो ये कौन सा अनुक्रम कहलाती है, अचर अनुक्रम कहलाती है। तत्समक अनुक्रम xn इक्वल टू n, अब n के मान देते जाओ x1 1, x2 2, x3 3, x4 4, तो ये वाली जो अनुक्रम है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन क्या कहलाती है, तत्समक अनुक्रम कहलाती है। अब अपन आते हैं परिबद्ध अनुक्रम की, तो इसमें परिबद्ध में सबसे पहले अपन देखते हैं ऊपर की ओर से परिबद्ध। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ एक्स एन इक्वल टू वन बाई एन, अपन एक एग्जाम्पल लें, यहाँ इसके पद देखें एन की जगह वन लिखा तो वन, दूसरा पद वन बाई टू, तीसरा पद वन बाई थ्री वन बाई फोर एंड सो ऑन। ये ऊपर से ये सारे पद किससे छोटे या बराबर है, एक से, और नीचे से सबसे सब जीरो से बड़े हैं देखो,
तो ये एक ऐसा अनुक्रम है जो ऊपर से किसके द्वारा परिबद्ध है, वन के द्वारा परिबद्ध है। तो अब अपन इसके ऊपर आते हैं, ऊपर की ओर से परिबद्ध बाउंडेड अबव सीक्वेंस एक अनुक्रम x ऊपर की ओर से परिबद्ध कहलाती है यदि एक वास्तविक संख्या कैपिटल K विद्यमान हो कि अनुक्रम के सारे एलिमेंट xn लेस देन और इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। समझ गए ना। अब ये उदाहरण ले अपन, यहाँ देखो xn लेस देन और इक्वल टू 1, अब आप n की जगह 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, ये सारे किससे छोटे आ रहे हैं, 1 से। तो ये किसके द्वारा ऊपर से परिबद्ध हो गई, 1 के द्वारा। अब आते हैं अपन नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम, एक अनुक्रम x नीचे की ओर से परिबद्ध कहलाती है यदि एक वास्तविक संख्या स्मॉल k इस प्रकार विद्यमान हो कि xn xn ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल के की अनुक्रम के सारे पद उस संख्या से बड़े हो। अब जैसे इस उदाहरण की बात करें अपन, तो यहां देखो xn ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं है, नेगेटिव आ नहीं सकते क्योंकि xn इक्वल टू 1/n है। तो ये अनुक्रम नीचे से किसके द्वारा परिबद्ध है, 0 के द्वारा। और अपन उदाहरण ले, देखो xn इक्वल टू अपन ले -1 की घात एन माइनस वन ले, तो एन की जगह एक लिखा, तो वन माइनस वन की घात 0, 1 माइनस वन, 1 माइनस वन, 1 माइनस वन एंड सो ऑन। तो ये एक ऐसा अनुक्रम है जो ऊपर से एक के द्वारा और नीचे से माइनस वन के द्वारा परिबद्ध है। ऊपर से किसके द्वारा, एक के द्वारा, नीचे से किसके द्वारा, माइनस वन के द्वारा। तो ये एक परिबद्ध अनुक्रम। ऐसी और लेना, xn इक्वल टू एन स्क्वायर ले, तो क्या आया 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। तो अनुक्रम के सारे पद ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, लेकिन ऊपर से किसके द्वारा परिबद्ध है, कोई भी संख्या नहीं है। तो ये एक ऐसा अनुक्रम है जो नीचे से तो एक के द्वारा परिबद्ध है लेकिन ऊपर से परिबद्ध नहीं है। ऐसी एक और उदाहरण ले, xn इक्वल टू -n² ले लेते हैं अपन, तो -1, -4, -9, -16 एंड सो ऑन। ये एक ऐसा अनुक्रम है जो ऊपर से, देखो अनुक्रम के सारे पद माइनस वन से छोटे हैं, घटते जा रहे हैं ना। तो ऊपर से किसके द्वारा परिबद्ध है, माइनस वन के द्वारा, लेकिन नीचे से परिबद्ध नहीं है, घटते जा रहे हैं। तो ये कुछ उदाहरण है जो जिसमें मैंने आपको नीचे से परिबद्ध अनुक्रम परिभाषित की है और ऊपर से परिभाषित अनुक्रम की है। ऐसा अनुक्रम जो नीचे से भी परिभाषित हो, जो नीचे से भी परिबद्ध हो, ऊपर से भी परिबद्ध हो, तो उसे हम परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। ए सीक्वेंस इज सेट टू बी ए बाउंडेड सीक्वेंस इफ इट बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव। तो ऐसे उदाहरण मैंने आपको बताया भी है जो ऊपर से भी परिबद्ध है, नीचे से भी परिबद्ध है। तो अब इसी के ऊपर आते हैं परिबद्ध अनुक्रम। एक अनुक्रम x परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है यदि यह ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ से परिबद्ध हो, अर्थात यदि दो संख्याएं स्मॉल k कैपिटल k इस प्रकार विद्यमान हो कि स्मॉल k लेस देन और इक्वल टू xn लेस देन और इक्वल टू कैपिटल k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। एग्जांपल मैंने आपको देख के बता दिए हैं, बुक में और हैं, आप करना उनको। अब इसके ये कुछ उदाहरण है। अनबाउंडेड जो अनुक्रम या तो नीचे से परिबद्ध नहीं हो, या ऊपर से परिबद्ध नहीं हो, या दोनों तरफ से परिबद्ध नहीं हो। जो अनुक्रम न तो ऊपर की ओर और न ही नीचे की ओर परिबद्ध हो, वह अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाती है। कुछ उदाहरण है वो आप देखेंगे। अब अपन आते हैं अनुक्रम का उच्चक तथा निम्नक, सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ ए सीक्वेंस। अब जैसे मैंने यहां आपको बताया कि इस अनुक्रम का सब पद किससे छोटे हैं, वन से। अगर अपन देखें तो 1.1 से भी छोटे हैं, 1.2 से भी छोटे हैं, 1.3 ऐसे। अब इन सब में सबसे छोटा मान क्या है, वो 1। तो ये 1 इस अनुक्रम का लीस्ट अपर बाउंड अर्थात सुप्रीमम अर्थात उच्चक कहलाता है। अनुक्रम का
उच्चक क्या हुआ, लीस्ट अपर बाउंड। ये सब देखो 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 9, 100, ये सबसे एक्सएन के सारे पद छोटे हैं। इन सारे ऊपरी परिबंधों में से सबसे छोटा मान कौन, एक, ये इस अनुक्रम का उच्चक कहलाता है। ऐसे ही देखो अब आप, इस अनुक्रम के सारे पद जीरो से बड़े हैं। अब जब जीरो से बड़े हैं तो माइनस वन से बड़े हैं, माइनस टू से बड़े हैं, माइनस फोर से बड़े हैं, माइनस टेन से सबसे बड़े हैं। इन सब, ये सब निम्न परिबंध कहलाते हैं, लोअर बाउंड कहलाते हैं। इन लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी को हम कहेंगे अनुक्रम का निम्नक। समझ गए ना? तो सुप्रीमम उच्चक क्या है, ऊपरी परिबंधों में से सबसे छोटा। निम्नक क्या है, निम्न परिबंधों में से लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा। क्लियर? अब अपन, यानी इस अनुक्रम का उच्चक क्या है, वन है। इस अनुक्रम का निम्नक क्या है, जीरो है। इसकी बात करें तो इसका निम्नक हो गया माइनस वन, उच्चक हो गया वन। इसका निम्नक देखें तो वन है, उच्चक इसका विद्यमान नहीं है क्योंकि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस अनुक्रम की बात करें, ये घटता जा रहा है, तो इसका उच्चक तो हो गया माइनस वन लेकिन निम्नक विद्यमान नहीं है। तो इस तरह से कुछ उदाहरण है। अब उच्चक और निम्नक की मैं इसमें से परिभाषा पढ़ देता हूं। परिबद्ध अनुक्रम हो तब ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान अनुक्रम का उच्चक लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है, तथा परिबद्ध अनुक्रम में निम्न परिबंधों का सबसे बड़ा मान महत्तम मान अनुक्रम का निम्नक कहलाता है। ये चीजें हैं। अब अपन अनुक्रम का जो नेक्स्ट पार्ट है, आगे का है, वो अपन अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे।